डेमोक्रेसी होती है, दुनिया में घूमाई मोदी ने बोला हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये ऐसे होता है क्या? लोकतंत्र, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुनी जाती है, यहाँ आवाज़ नहीं सुनी जा रही, आवाज़ को दबोचा जा रहा है, आवाज़ का गला घोटा जा रहा है और कोई आवाज़ और दिल्ली के अंदर संसद तक जाएंगे, पता ही नहीं छोड़ेगा। कितने दिन मंत्री बनाई बैठेगा मोदी अमित शाह? इन गुंडों को कदे नहीं छोड़ेंगे, कदे नहीं छोड़ेंगे। अरे जोगी जी तो कुर्सी छोड़ के भागेंगे, ये तो थोड़ी सी हमारे से चूक होगी, नहीं तो इनको से बात करने की कोशिश करेंगे। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी उसको इंसाफ दिलाने के लिए, यानी कि न्याय पंचायत आज रखी गई थी, आखिर इनकी सोच इनकी क्या कहती है आज यहाँ पर पहुँचने के बाद और आज क्या फैसला लिया गया नहीं लिया गया? तो सबसे पहले अंडी रहना में सबसे पहले स्वागत है भाई आपका, जो आपके चैनल को देखने वालों का सबको नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार। क्या लगता है क्यों नहीं डेमोक्रेसी को दर्जिया उड़ान लागी? उड़ा रही है किसान जी भी आवाज़ उठाओ, लाठी गोड़ के दम पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ आवाज़ उठाई थी जब हमने एक संयुक्त मोर्चा ने फैसला कर रखा है भाई बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार, वो तो अपने घर घर जान ले रहे थे, गाड़ी के नीचे रौंदा गया है, कितना बड़ा अन्याय किया है। क्या ऐसी डेमोक्रेसी होती है? दुनिया में घूमाई मोदी ने बोला हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये ऐसे होता है क्या? लोकतंत्र, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुनी जाती है, यहाँ आवाज़ नहीं सुनी जा रही, आवाज़ को दबोचा जा रहा है, आवाज़ का गला घोटा जा रहा है और कोई आवाज़ उठाओ तो गाड़ी के नीचे रौंदा जा रहे हैं। उसने कहीं नहीं थी उठे नहीं कहा था, बोला पहले इस मंत्री MLA MP बनने तो पहले मैं किया था, तुमने बेरा नहीं सलाके वालों पहले कह दिया बात, ये बात कही है उसने, ये जो षड्यंत्र रचा वहाँ किसानों के साथ उसके बाद कही है। लेकिन डेमोक्रेसी है, इसमें आवाज़ उठाने का अधिकार है, हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, हमें इतने हाथ पाथ धर के थोड़े बैठा है। अच्छा जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में आंदोलन कम चल रहा है, लेकिन वो लखीमपुरी की घटना के बाद आंदोलन तेज होया कम होया? तेज होया जी, बहुत तेज होया। किसान संताली तो पहला भी किसान का बेटा तो मजदूर का बेटा, शहीदियां पाते आए आ, अंग्रेजों नाल लड़ाई लड़ते आए आ, देश याद कराया। अज काले अंग्रेजों ने देश गुलाम करता, किसान नू शहीदी पा रहा है, मजदूर शहीदी दे रहा है और इस देश को याद दोबारा याद कराना पै रहा है, इनसे कराएंगे और दिल्ली के अंदर संसद तक जाएंगे। कितने दिन बचा पाएंगे? ये किसान का बच्चा और मजदूर का बेटा किसी भी धर्म में है, जो खेती करता है मजदूरी करता है किसान के साथ, इनको बख्शेगा नहीं, जेल करा के रहेगा, कतई ही नहीं छोड़ेगा। कितने दिन मंत्री बनाई बैठेगा मोदी अमित शाह? इन गुंडों को कतई नहीं छोड़ेंगे, कदे नहीं छोड़ेंगे, यानी कि चलता रहेगा। कितनी शहादत हो जो मैं नहीं, बिल्कुल देखो पीछा नहीं हटने वाले, शहीद भगत सिंह, सरदार ऊधम सिंह, सुखदेव राजगुरु सारे की गल है, शहीदियाँ पाइया ने, एक नहीं पई, पहले भी हजारों सैकड़ों पई है, दे हजार। आज हमारी जमीर और जमीन की बात है, हमारे बच्चों की गल है, यहोजी गुलामी करवाना चाहते हैं, साड़ी जद्दी पुश्ती जायदाद जमीन कारपोर्ट कराने नू समझना चाहते हैं, पर सानू एक कतई अही बर्दाश्त नहीं करा। अभी 22 तारीख को लखनऊ में पंचायत है, योगी जी ने कहा कि देख का आइयो, सोच समझ का आइयो। अरे योगी जी तो कुर्सी छोड़ के भागेंगे, ये तो थोड़ी सी हमारे से चूक होगी, नहीं तो इनको 4 तारीख को हम जब ना थोड़ी सी भी ध्यान से मीटिंग करके चलते ना, सेंट्रल सरकार भी गिराते और प्रदेश सरकार भी गिरती। ये कोई प्रदेश का मामला नहीं था, UNA का मामला है, एक किसी किसान को जबरदस्ती कुचला जाए, कहाँ लिखा हुआ है? अपने आप घरे जा रहे हैं, शरेआम वीडियो में सभी शरेआम, हमारा एक पत्रकार भाई सोशल मीडिया और उसका पता इतिहास ये है, बिल्कुल साफ सुथरा है और अजय टैनी के इतना रिकॉर्ड था उसके पास, जो अपने ये पंचायतों के होते हैं जो नरेगा स्कीम च ओदे मजदूरों नू ला के गन्ने का काम करांदा है, खेती का काम करांदा, 1200 एकड़ का मालिक है, जड़े नज़दीक 6 गांव पड़ते हैं वहाँ उनको 3550 रुपए तक दिहाड़ी देता है, इतना उनका डारा खौफ है उसके। हम तो उनको भी याद कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे। कहाँ से आए हो जी आप? हम सिरसा से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, किसान समाज संगठन प्रदेश अध्यक्ष है गुरनाम सिंह चब्बर। बाइक सिरसा भी नाम सुने होगा अपना, हरियाणा में सिरसा कुरुक्षेत्र करनाल, ये भी एक घना युद्ध भूमि ही छिड़ रही है सरकार के साथ, क्योंकि वहाँ पर भी जो है पानी की वो छारे लाठी चार्ज, कहीं ना कहीं आंदोलन उग्र जो है हरियाणा से हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसकी चंगारी चल चुकी है। तो देखते हैं आखिर किसान जो है अजय मिश्रा टैनी की गिरफ्तारी करवा पाते हैं या नहीं। गिरफ्तारी की दूर की बात, इस्तीफा भी नहीं हुआ उसका भी, लगता तो देख
देखते रहिए गांडी हरियाणा, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।